हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि फायरबोल्ट में आप अपना प्रोडक्ट कैसे रिटर्न कर सकते हो। तो आपकी वॉच हो या आपने ईयरफोन लिया, कुछ भी लिया फ्रेंड, इसका कोई भी प्रोडक्ट हो, आपका रिटर्न करना है बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स जो बोलने वाला उसको फॉलो करना है। यहाँ मैं आपको पूरा दिखाऊंगा गाइस ऑर्डर रिटर्न करने का। तो मैंने गाइस ऑर्डर किया था थोड़े दिन पहले, अब मुझे रिटर्न करना है, तो मैं रिटर्न करके आपको बताऊंगा। आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा है गाइस, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेस भी रिटर्न करने का थोड़ा लंबा है, तो इसके लिए आपको ध्यान से देखना है और पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो बीच में जो हमारा पार्ट होता है मेन वो छूट जाता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा हमने क्या किया था। इस वजह से आपको पूरा वीडियो देखना है। तो गाइस थ्री लाइन पे क्लिक कर लेना है पहले, आपको अभी बता रहा हूँ, और अकाउंट में आ जाना है। अगर आप लॉगिन नहीं हो तो लॉगिन हो जाना। देखिए हमने लॉगिन है, हमने ऑर्डर किया है, पूरा दिखा रहा है इधर। तो अब आपको ये सपोर्ट लिखा है, सपोर्ट इस पर क्लिक कर लेना है। सपोर्ट पे यहाँ देखिए आवर प्रोडक्ट आवर कलेक्शन सपोर्ट। तो सपोर्ट पे जब आप क्लिक करते हो तो नीचे देखिए आपको एक रजिस्टर एक कंप्लेंट है, उस पर क्लिक करना है। एफिलेट प्रोग्राम लिखा है, उसके नीचे रजिस्टर एक कंप्लेंट है, तो वहाँ आपको क्लिक करना है। अब आपको गाइस यहाँ वारंटी सपोर्ट लिखा है, ये सब ऐसे ही लिख के आ रहा है, आपको ये नहीं देखना है, इसको इग्नोर कीजिए। स्क्रोल अप करना है, देखिए आप स्क्रोल अप करोगे तो यहाँ फिर से एक आपको एक रजिस्टर एक कंप्लेंट लिख के एक दिख रहा है मैनू, आपको उस पर क्लिक करना है। तो रजिस्टर एक कंप्लेंट यहाँ दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। रजिस्टर एक कंप्लेंट पे ये आपको बार पे रजिस्टर कंप्लेंट का जो बार है उस पर क्लिक करना है। तो आपको आपका पेज लोड नहीं होता तो रुकना है और उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये फॉर्म खुल गया गाइस सबमिट ए टिकट का। तो यहाँ हमें रिटर्न करना है, तो इस पर ही आपका रिटर्न होगा। तो चलिए हम जानते कैसे करते हैं। तो यहाँ बहुत लंबा फॉर्म है, तो पूरा आपको देखना है, तब आपको समझ में आएगा इसको कैसा फिलअप करना है, क्या भरना है। तो सबसे पहले तो आपकी जो रजिस्टर ईमेल आईडी है फायरबोल्ट में वो डालोगे, और उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर आएगा, हमारा रजिस्टर मोबाइल नंबर आएगा, और नाम भी डालना गाइस। आपका नाम पूछेगा तो आपको नाम भी डालना है, प्लीज़ एंटर योर ईमेल आईडी फर्दर, पहले आपको अपना वो डाल लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ देखिए अपना मोबाइल नंबर डालना है। इस ईमेल आईडी नाम और नंबर डालने के बाद पहले ईमेल आईडी, फिर आपको नाम पूछेगा, नाम डालना है रजिस्टर जो आपने अकाउंट में डाले थे वही नाम रहना चाहिए, कोई दूसरा नाम नहीं। फिर मोबाइल नंबर कंपलसरी है, फिर एक अल्टरनेट नंबर अगर आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं। जिस पे आपको स्टार है रेड कलर का वो भरना ज़रूरी है, कहाँ से अभी परचेज़ किया था वो भी। अगर आपने कोई भी इसमें से परचेज़ किया है अमेजोन रिलायंस रिटेल शॉप विजय सेल फ्लिपकार्ट क्रेड किधर से भी आपने किया वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं फायरबोल्ट वेबसाइट से सेलेक्ट किया था परचेस, तो उसको मैंने सेलेक्ट किया। आपने जिधर से किया उधर से सेलेक्ट कर लीजिए। आपने क्या परचेस किया था गाइज वो आप सेलेक्ट करना है आपको, हेडफोन नेक बैंड टी डब्ल्यू एस एयरफोन स्मार्ट वॉच। तो मेरी स्मार्ट वॉच है गाइज, मुझे वो रिटर्न करना है तो मैं वही सेलेक्ट करूँगा। अब आपको गाइज प्रोडक्ट का नाम है क्या आपको सेलेक्ट करना है, आपको नाम देख लेना है, बॉक्स के ऊपर नाम होता है वहाँ से आप देख के यहाँ एंटर कर सकते हैं, प्लीज़ सेलेक्ट करेक्ट प्रोडक्ट। तो गाइज हमें और प्रोडक्ट का जो और नाम आगे रहता है अच्छे से उसका कोड वो सेलेक्ट कर लेना है, तो आपको बॉक्स पे सब मिल जाएगा ये सब। प्लीज़ सेलेक्ट एक्यूरेट कंप्लेंट, तो हमें क्या करना है गाइस रिटर्न करना है। वॉन्ट टू चेंज प्रोडक्ट कलर मॉडल, वॉन्ट टू अपडेट एड्रेस ऑर्डर रिटर्न बाय करियर ट्रैक और करियर वेबसाइट। तो गाइस हमें रिटर्न करना है, तो यहाँ हमें डिवाइस डेड एंड अराइवल नॉट गेटिंग ऑफ कर देना है। तो गाइस अगर आपका रिटर्न करना है तो कोई भी एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करना होगा, और फिर इधर लिखना है प्लीज़ मेंशन योर इशू इन शॉर्ट। तो यहाँ बोल रहा है गाइज ये आपका जो भी इशू है शॉर्ट में लिख दीजिए, तो हमारा रिटर्न करना है इसलिए हमने डेट सेलेक्ट किया है। तो गाइज आपको भी यही करना है, आपका फ़ोन ख़राब हो गया ना तो कोई भी प्रॉब्लम है, चार्जिंग नहीं हो रहा तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, रिटर्न नहीं करना है तो आपको ऑर्डर। और इसके बाद आपको लिखना है गाइज इधर प्लीज़ शेयर योर फीडबैक एंड अटैच इमेज पीडीएफ और इनवॉइस कॉपी। वो बोल रहा है आपका कोई भी गाइज जो कंप्लेंट हो उधर शेयर कीजिए, और इनवॉइस की जो कॉपी है नीचे अटैच है फाइल है उधर लिखने। तो हमें क्या लिखना है वो देख लीजिए, इधर आपको भी अपना वैसा लिख सकते हो। अगर आपका फ्रेंड्स घड़ी ऑन नहीं हो रही, ख़राब है, नहीं चल रही, या आपका कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, आपको लिखना है माय प्रोडक्ट वाज नॉट वर्किंग, जो भी आपका प्रोडक्ट नाम है वो लिख लेना है,
प्लीज़ रिटर्न माई प्रोडक्ट। अगर आपने पैसा पेमेंट किया है फ्रेंड्स, तो आपको वो भी लिखना है, प्लीज़ रिफंड माई मनी। माई वॉच इज़ नॉट टर्निंग ऑन, प्लीज़ टेक रिटर्न दिस एंड रिफंड माई मनी एज सुन एज पॉसिबल। तो गाइस, मुझे लेके ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसलिए मैं रिटर्न कर रहा हूँ। 3 दिन हुआ था पर चालू नहीं हो रहा है अभी, एक बार चालू होकर बंद हो गया था। तो गाइस, इधर आपको PDF डाल देना है इनवॉइस का, या प्रोडक्ट का इमेज भी डाल सकते हो। चलिए ठीक है, इधर आप बोल रहा ऑर्डर ID, तो आपको ऑर्डर ID डालना है, वो आपको उधर मिल जाएगा, आपके WhatsApp पे भी मिल जाएगा गाइस, या आपके ऑर्डर के वेबसाइट में ज़्यादा से भी लिया था अमेज़ॉन में किधर भी, वो ऑर्डर ID इधर पेस्ट कर सकते हो। तो ऑर्डर ID आपको यहाँ डाल लेना है, और उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, नीचे इनवॉइस नंबर चाहिए उनको। इनवॉइस नंबर आपको जहाँ से भी प्रोडक्ट लेते हो वहाँ का इनवॉइस मिल जाता है आपको, वहाँ से इनवॉइस देख लेना आपका क्या इनवॉइस था। अमेज़न से लिया तो वहाँ से इनवॉइस डाउनलोड करके उसका इनवॉइस नंबर डाल देना है, फ्लिपकार्ट से भी डाल देना है। अगर इससे खरीदे तो इधर से आपको डाउनलोड करके या देख भी सकते हो, उसके अंदर ऑर्डर सेक्शन में जाके आप कब खरीदा था आपको ये भी डाल देना है। तो इनवॉइस डेट प्लीज़ सेलेक्ट करेक्ट डेट, जब भी आपका इनवॉइस डेट थी वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको कितने का प्रोडक्ट था वो भी सेलेक्ट करना है गाइस। तो हमने ये प्रोडक्ट की प्राइस भी लिख दिया और क्वांटिटी कितनी है वो भी आपको लिख देना है। प्लीज़ एंटर योर कंप्लीट एड्रेस। अब आपको गाइस क्या करना है, इधर अपना एड्रेस डालना है। तो क्वांटिटी में आपको जितनी भी आपकी क्वांटिटी वो लिखनी है, उसके बाद आपको पूरा जहाँ से भी पिकअप करना है, जहाँ से भी आपको भेजना है रिटर्न करना है, वो एड्रेस डालना है, आपके घर का एड्रेस डालना है जहाँ से आप प्रोडक्ट देना चाहते हो रिटर्न। तो अपना मैं एड्रेस डाल देता हूँ, सेम टू सेम आपको अच्छे से अपना ऑर्डर पिन कोड के साथ डालना है गाइस। प्लीज़ एंटर योर लैंडमार्क नियरेस्ट टू, तो हमारा लैंडमार्क भी लिख देना, जो फेमस आपकी जगह है वो भी लिख देना। और इसके आगे आपका प्लीज़ सेलेक्ट योर करेक्ट स्टेट, स्टेट सेलेक्ट करना गाइस। तो आप जिधर भी रहते हो सेलेक्ट कर लेना, तो मेरा महाराष्ट्र का है तो मैं महाराष्ट्र को सेलेक्ट कर लूँगा। तो आपको स्किप नहीं करना, जैसा मैंने बताया वैसा देखिए लिखिए, आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्लीज़ टिक इफ रिप्लेसमेंट यूनिट डिलीवरी एड्रेस इज सेम एज पिकअप एड्रेस और एंटर द डिलीवरी एड्रेस। तो हमारा सेम है तो आपको गाइस क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, स्क्रोल अप करना है और इसको सबमिट कर देना है। तो आपको एक बार चेक ज़रूर कर लेना आपने सारी डिटेल सही से लिखा है कि नहीं, और इसके बाद यहाँ कैप्चा को क्लिक करके पहले कैप्चा को आपको ओके कर लेना है और सबमिट कर देना है। तो सब देख लेने का आपको, आपने सारी डिटेल अच्छे से लिखा है कि नहीं, और उसके बाद आपको सबमिट करना गाइस। तो हम देख लेंगे और आपको भी देख लेना। तो मैंने अभी सबमिट कर दिया, प्लीज़ वेट लिख के आ रहा है। तो हमारा देखिए, योर टिकट हैज़ बीन क्रिएटेड, अब हमारा टिकट क्रिएट हो चुका है। तो गाइस, हमारा टिकट ये भी क्रिएट हो चुका है। अब हमको एक कॉन्फर्मेशन ईमेल आएगा, आपका जो ये टिकट क्रिएट हो जाता है उसके बाद एक कन्फर्मेशन ईमेल सेंड करते हैं, मतलब आपकी कंप्लेंट सबमिट हो चुकी। देखिए हमारा आ चुका है बोल्ड की तरफ से, ऐसा आपको आएगा। फिर आपको कस्टमर केयर कॉल या वो करके आपको बता देंगे आपका कंप्लेंट सबमिट हो चुका है। आपको कुछ ज़रूरत रहेगी उनको इनवॉइस नंबर या इनवॉइस की कॉपी, तो आपको ईमेल से सेंड करना है। अगर आप वो पूछते हैं तो सेंड करना, ऐसा मत करना सेंड, आपकी अब कंप्लेंट हो चुकी गाइस। वो आपको कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी करेगा, आपको बता देना हमारा प्रोडक्ट है जो काम नहीं कर रहा है, उसको रिटर्न करना है, रिप्लेसमेंट करना है, जो भी आपको करना गाइस, ऐसा करके आप कंप्लेंट करके कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है, सिर्फ आपको फॉलो करना है, जैसा मैंने बताया हूँ वैसा फॉलो कीजिए, 100% ये जो आपकी प्रॉब्लम है रिटर्न की वो सॉल्व हो जाएगी गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना नीचे कॉमेंट करके। और गाइस यहाँ देखिए 24 से लेकर 48 हर्ट्ज़ बोल रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट डिवाइस डेट और अरेवल नॉट गेटिंग ऑन, प्रोडक्ट नेम ब्लैक फायर। और गाइस हमारा इधर लिखा है बिलो आर डिटेल और कंप्लेंट टाइप डिवाइस डेट लिखा है। तो मतलब गाइस हमको रिटर्न करना है, ये हमने इधर डाल दिया गाइस कंप्लेंट, और आपका हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, बस वेट करना है 24 से लेकर 48 हर्ट्ज़ के लिए, उसके बाद आपको खुद कॉल और ईमेल करेंगे 24 आवर्स के अंदर भी करते, अगर 4 से 5 घंटे के बाद भी आ जाता कभी कभार बहुत लोगों को गाइस ये ईमेल सबमिट करने का, जैसा मैंने आपको बताया हूँ। अगर आपको टाइम लगता है तो वेट कीजिए, और आपको पिकअप करना है कॉल उनका आएगा। तो गाइस आपको समझ में आ गया हमने क्या किया क्या नहीं किया ये वीडियो में। इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कुछ पूछना है बोल्ट के बारे में, और भी कोई वीडियो चाहिए बोल्ट फायर बोल्ट के, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आता है तो
नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।